हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे हैं गाइस। तो आप में से कोई एक फ्रेंड ने हमें कमेंट करके बताया कि मशीन में ऑर्डर आए तो उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस सिग्नल प्रॉब्लम को। जी हाँ गाइस, तो इसीलिए इस टॉपिक पे फुल वीडियो हमने बना दिया है। गाइस, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और जो कोई भी फ्रेंड अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो के साथ हम आपसे रोज मिलता रहेंगे। ठीक है, तो गाइस ये रहा मशीन का सिग्नल स्प्रिंग, जो मशीन का सिग्नल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आपका सिग्नल स्प्रिंग को बेहतर और अच्छा रखना कैसे आपको रखना है हम आपको बताएंगे। जैसे कि सिग्नल स्प्रिंग को आप देख सकते हैं कि लोहे का पाथ है, उधर टच होना चाहिए। ठीक है, जब टच होगा तो ही आपके मशीन में सिग्नल आएगा, वो भी फर्स्ट और क्विक। इस टॉपिक पे हमने एक वीडियो बनाया था लेकिन थोड़ा अलग है, लेकिन इस बार वीडियो थोड़ा अलग है। जैसे कि आपको इस स्प्रिंग को ऊपर में टच होना चाहिए और धाका कटने के बाद ही आपको क्विकली आपको टच होना चाहिए, क्योंकि क्विकली टच होने से क्या होता है, अपना मशीन का सिग्नल फर्स्ट देता है। और आपका स्प्रिंग टच नहीं होगा तो आपको धागा करने के बाद आपके मशीन में ऑर्डर आने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्प्रिंग को जो स्प्रिंग का जो टेंशन है, टेंशन को थोड़ा आप माइनस से एडजस्ट कर सकते हैं उसमें, उसको टच कराने के लिए। और रही बात जब आपके मशीन का धागा मतलब बॉबिन ख़त्म होता है तो आपका जो मशीन का जो चक्का है वो हल्का मतलब हिलता है, तो हल्का हिलने के वजह से क्या होता है, आपका जो सेंसर पकड़ नहीं पाता। ठीक है, तो सेंसर ना पकड़ने से आपके मशीन में क्या होता है कि आपका ऑर्डर जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप ऐसे करके आपका मशीन में सिग्नल प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप एक काम करना, इसका जो सेंसर काट है मतलब सेंसर बोर्ड छोटा वाला आप देख सकते हैं, सेंसर बोर्ड हेड के पीछे की तरफ दिया गया है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको जो तरीका बताया वो आप अपना के देखिए। तो हमारा हिसाब से कहता है कि आपका मशीन अच्छा चलेगा और आपका ऑर्डर जाने का चांसेस बहुत ही कम रहेगा कि आप ऐसे ही करके स्प्रिंग को टच करके रखिए, वो भी आप माइनस से आप अपने हिसाब से हल्का ढीला देके टाइट देके कर सकते हैं। और ऊपर का जो प्लेट है उसमें एक छोटा स्क्रूप दिया गया है, उसे आप ढीला करके जो प्लेट है उसको हल्का नीचे कर सकते हैं, हल्का ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही करके कर सकते हैं। तो आप देखना कि आपका मशीन का जो सिग्नल प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और रही बात आपका स्प्रिंग को एकदम बराबर खिलना चाहिए। ठीक है, तो गाइस एक बात हम आपको कहना चाहते हैं कि आप ऐसे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारा आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रही बात वीडियो पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर, और आपका मशीन में कोई भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए बा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का उत्तर जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।